السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. موسى إنسان و دنيا میں کامیاب بكرتي هي अल्लाह की तोहिद इस्लाम की फरमाबरदारी के बाद वो उसकी मुस्बत सोच पॉजिटिव थिंकिंग पॉजिटिविटी ये इंसान को यकीनन कामयाब करती है पॉजिटिव सोचने वाले हमेशा आगे बढ़ते हैं और जिनकी सोच नेगेटिव हो जो मनफी सोच रखते हों वो आगे दो नहीं बढ़ते मायूसी का शिकार हो जाते हैं पीछे की तरफ़ हटते हैं तो इस्लाम हमें मस्बत सोच की तालीम देता है लोगों में उम्मीद पैदा कराने की तालीम देता है लोगों में खुशियाँ ख़ुशियाँ बांटने की तालीम देता है नए एक कि लोगों में नफ़रतें बांटें खौफ़ फैलाएं दहशत फैलाएं लोगों को परेशान करें लोगों में नाउमीदी फैलाएं इसकी तालीम हमें शरीयत नहीं देती तो मज़ा साजीन अपने आप को जहाँ तक हो सके अपने आप को अपने आमाल को ऐसा बनाए कि जिससे लोगों को खुशी मिले लोगों की उम्मीद बंधे लोगों की हिम्मत बंधे ऐसे काम करने चाहिए न कि ऐसे कि आपकी वजह से आपकी आमाल की वजह से लोगों में नाउमीदी पैदा हो लोग परेशान हो लोगों में खौफ का माहौल पैदा हो ये काम एक मुसलमान को नहीं करना चाहिए एक इंसान को नहीं करना चाहिए काम। काम हजरीन, आजकल के इस कोरोना के दौर में बड़े अफसोस के साथ व्हाट्सएप पर या सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें बकसरत गर्दिश करने लगी हैं जो एक नेगेटिव सोच पैदा करती हैं जो अपने अंदर एक नेगेटिविटी रखती हैं एक खौफ का माहौल दहशत का माहौल के हालात ख़राब हो चुके हैं लोग मरने लगे हैं लोगों में मौत आम हो गई है बीमारी बहुत ज़्यादा फैल चुकी है अपना कब्जा जमा चुकी है मौजादीन हकीक़त में अगर देखें जितने लोग बीमार हो रहे हैं बीमारी के बाद जितनों को सेहत मिल रही है उनका रेशियो उनकी नस्बत बहुत ज्यादा है उसके मुकाबले जिनका इंतकाल हो रहा है जैसा कि तहकी में बताया जा रहा है कि मोर्टेलिटी रेट मौत का जिन्हें मौत की जो नस्बत है वो वन पॉइंट सम परसेंट है बस जबकि रिकवरी का जो रेशियो है वो बहुत ऊंचा है वो बहुत ऊंचा है तो ऐसे हालात में इस्लाम जो मुस्बत तालीम देता है वो ये है कि आप लोगों में उम्मीद फैलाएँ मौत की खबरें फैलाना बीमारी की खबरें फैलाना डराने वाली खबरें देना ये एक मुसलमान के अखलाक़ नहीं हो सकते एक मुसलमान का शेवा नहीं है कि ऐसी हरकतें वो करे बल्कि इस्लाम का शेवा यह है इस्लामी अखलाक ये है कि आप लोगों में उम्मीद फैलाएं हाँ अलहमद कुछ डॉक्टर्स के बयान आते हैं वो बता रहे हैं कि मामला बड़ा नहीं है इसको बहुत ज्यादा हवा ना बनाया जाए लोगों में खौफ का माहौल ना पैदा किया जाए और कई महिकी मानते हैं कि कोरोना की तकलीफ से कहीं ज्यादा कोरोना का खौफ लोगों को खा जा रहा है अगर किसी को कोविड पॉजिटिव आ जाए तो उसका रिएक्शन ऐसे होता है जैसे सांस भी रुक गई यह अखलाक नहीं है इस्लाम नहीं सिखाता आप उम्मीद दिलाएं जबकि हकीकत में कोई बड़ी बात नहीं है यह काबिल इलाज मरज़ है इसका कोई बहुत बड़ा इलाज भी नहीं है पर छोटी मोटी दवाइयों से बड़े आसानी से जब्त में आने वाला मर्ज है तो ऐसे माहौल में लोगों में खौफ को आम करना परेशानी और हरासानी को आम करना एक गैर इस्लामी तरीक़ा एक गैर अख़लाक़ी तरीक़ा है और ख़ास तौर पर हाँ पता है ऑक्सीजन कम हो गया होगा ऑक्सीजन की कमी है हुकूमतें इसकी ज़िम्मेदार होती हैं <coughs> कि वक्त से पहले इसका इंतज़ाम करके रखें और बेड्स की कमी भी होगी <coughs> लेकिन इसको इतना ज़्यादा आम करना कि बीमार तो बीमार सेहतमंद भी डरने लगे कि अगर मैं बीमार हो जाऊं तो बेड मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा बीमार तो बीमार सेहतमंद भी परेशान हो जाए कि सांस में कुछ तकलीफ हो तो ऑक्सीजन मुयसर होगा कि नहीं होगा ये खौफ कौन फैला रहा है वही लोग जो इस किस्म की खबरें व्हाट्सएप या सोशल मीडिया पर आम कर रहे हैं फैला रहे हैं दहशत का माहौल बना रहे हैं यह इस्लामी अखलाक नहीं है नहीं करना चाहिए ऐसे इस्लाम इसकी तालीम नहीं देता है और जहां तक बेड्स की कमी का ऑक्सीजन की कमी का मसला है, हकीकत भी है और वहीं पर बड़े अफसोस के साथ लोगों में हिरस अपनी सेहत को लेकर के बीमारी के खौफ से जरूरत से ज्यादा अपने पास ऑक्सीजन के सिलेंडर्स जमा कर लेना बिला जरूरत बेड्स ऑक्यूपाई कर लेना बुक करके रख देना या बेड्स की जरूरत के बगैर अपनी जान का डर रखते हुए बगैर किसी जरूरत के जाकर के बेड्स बुक करके बेट्स अपने लिए ले लेना ये वो चीजें हैं कि जिसकी वजह से जो हकीकत में बेड्स के मोहताज हैं वो परेशान हैं उनकी मौत हो सकती है उनको नुकसान हो सकता है अल्लाह पर उम्मीद रखें अल्लाह पर उम्मीद को फैलाएं मुस्बत सोच को फैलाने की कोशिश करें मुसबत सोच अल्लाह को पसंद है मुसबत सोच हमेशा इंसान के अंदर क़वत पैदा करती है ताकत पैदा करती है साइकोलॉजिकल वो मजबूत होता है और इसके मुकाबले नाउमीदी परेशानी ये इंसान की इम्यूनिटी को गिरा देती है दिफाई सिस्टम कमजोर हो जाता है ये नहीं करना चाहिए बड़े अफसोस के साथ बहुत से लोग न्यूज़ के जरिए वीडियोस के जरिए ऑडियोस के जरिए लोगों को परेशान कर देते हैं तो मजा साजरीन लोगों में उम्मीद आपकी किसी बात से फैल सकती है तो उसको आप फैलाएं आपकी किसी बात से लोगों में खौफ और हरास का माहौल पैदा हो सकता है तो ऐसे वीडियोस ऐसे ऑडियोस आप अपलोड ना करें आप आगे ना बढ़ाएं आप ना फैलाएं उसको लोगों में परेशानी ना आम करें मज़र साजरीन इसका खास तौर पर ख्याल रखें इन नौसरीन अल्लाह के न भी कहते हैं कि तुम आसानियाँ पैदा करने वाले आसानियाँ फैलाने वाले बना करके भेजे गए हो न के लोगों में तंगियां पैदा करने वाले बना करके भेजे गए हो तो मजर हाजरीन जो भी पोस्ट आपको पहुँचे उसे आप आगे ना बढ़ाएं बल्कि सबसे पहले उसकी तहकीक़ कर लेंगे बात सही है कि नहीं है और बात सही भी हो तो भेजने पर इसके क्या नतज मुरतब हो सकते हैं लोगों में क्या सोच पैदा हो सकती है ये पहले आप सोच लें पहले आप समझ लें अगर आपको लगे कि इससे देख करके कोई परेशान हो सकता है ना भेजे उसे किसी को परेशान न करें नबी करीमरासलाम तो ने फरमाया कि बड़ी बड़ी नेकियों में से एक नेकी यह भी है कि आप किसी मुसलमान के दिल में खुशी पैदा कर दो उम्मीद पैदा कर दो उम्मीद पैदा करें आप खुशियाँ लोगों को बाँटें उम्मीद लोगों को दिलाएं, भरोसा लोगों को दिलाएं, ये बड़ी अच्छी चीज़ है और इससे सेहत भी मिलती है और इंसान को सुकून भी नसीब होता है और इस किस्म के खौफ हरास के माहौल से वो बाहर भी निकलता है अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें लोगों में उम्मीद फैलाने वाला बना करके खुशियाँ बांटने वाला बना करके ज़िंदा रखे और अल्लाह ताला हर किस्म के खौफ और हरास के माहौल से हम तमाम की उम्म मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए आमीन सल्लम अला नबीना व वाल आलि व सलाम अलैकुम व वर व बरकातहू